So we are learning about function definition. This is a simple example, and here we have a function sum that is taking two variables as argument, num1 and num2 of type integer, and its return type is int. So we do not have a semicolon here because this is the function header of function definition, and previously we saw here that no semicolon at the end. So we just have these three things, the return type, function name, and if there are any arguments. So this is the function header. Then inside the curly braces, there are a number of statements that together constitute function body. So yahan pe isi pattern pe based, aap koi bhi function define karte hain. Ab thoda sa function call ko dekh lete hain. Function of a user defined function is called from the main function. सो मेन आपके पास ये देखिए मेन फंक्शन है और उसकी बॉडी में आपके पास डिफरेंट फंक्शंस जो आपने कॉल करने हैं वो यहाँ पे सब्सिक्वेंटली अपेयर होंगे. सो यू एग्जीक्यूट सम स्टेटमेंट्स एंड यू देन यू कम टू नो दिस फंक्ट अंडरस्कोर 1 कि कोई फंक्शन कॉल हो रहा है तो आपका कंट्रोल पास होगा इस फंक्शन की डेफिनेशन पे. ये रिटर्न टाइप मैंने जेनेरिक फॉर्मेट में लिखी है. इट कैन बी एनीथिंग इंटीजर और वॉइड और डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन टाइप. और यहाँ पे जितनी स्टेटमेंट्स हैं ये सब एग्जीक्यूट होंगी और जब क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आएगी तो कंट्रोल वापस मेन में यहाँ पे आ जाएगा और फिर जो रिमेनिंग आपके पास स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी. तो मेन चूंकि इस फंक्शन को कॉल कर रहा है इसको कॉलिंग फंक्शन बोलेंगे या उसको बॉस फंक्शन भी कहा जाएगा. कि ये बॉस या वर्कर की जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आसान जुबान में समझने के लिए हैं. कॉलिंग फंक्शन इज calling this function, so it is a called function. तो समझने के लिए आप ऐसे भी देख सकते हैं कि boss function actually calls the worker function. अब इसमें कुछ possibilities और भी हैं कि ये जो आपके पास user defined या called function है वो further आगे भी different functions को call कर सकता है. तो इस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे hierarchical boss worker function relationship. So any called function can call another function and control passes between those two functions in hierarchical manner. इसका क्या मतलब है कि boss आपका जो function है it is mostly main function. Main से execution start होगी. Main में जो function आए फर्ज करें आपके पास main में तीन different functions हैं तो वो main के अंदर directly call हो रहे हैं those are at first level. अगर उनमें से किसी एक function में further कोई और function call हो रहा है तो यहाँ से कंट्रोल पास करेगा जिस फंक्शन में से कॉल हो रहा है. नाउ वर्कर 1 विल एक्ट एज कॉलिंग फंक्शन फॉर दिस फंक्शन वर्कर 4 एंड दिस इज द कॉल्ड फंक्शन. तो कंट्रोल बिल्कुल उसी तरह से ट्रांसफर होगा इन दो फंक्शंस में जैसे बॉस और वर्कर 1 यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है. तो यू कैन कॉल फंक्शंस इन हायरार्किकल मैनर. एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि इसके आगे से भी फर्दर कोई फंक्शन कॉल हो रहा हो. एज लॉन्ग एज आपने कंट्रोल फ्लो और सब जो कम्युनिकेशन हो रही है फंक्शंस के बीच में आर्ग्यूमेंट्स वगैरह की वो ठीक है तो हायरार्की इज पॉसिबल. आप ऐसे भी कर सकते हैं. इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि सब फंक्शंस आपके पास मेन फंक्शन में हो. बाज़ुकात कोई और फंक्शन फर्स्ट लेवल पे जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो भी फर्दर किसी फंक्शन को कॉल कर सकता है. इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. So let me add an animation here. It's just missing. So here we have hierarchical function calling example. So let's have a look. There are two functions, addition and display. So going to main, inside main there is a function called sum 4 5. 4 and 5 are two integer type data variable data. Constants. These are constants. I am not taking it from the user. So the first 4 passes to this int. If we see the definition, और ये वाला 5 यहाँ int b में चला जाएगा. तो 4 plus 5 यहाँ पे जो result आएगा वो y में store होगा. अब ये देखिए जब यहाँ से control pass हुआ इधर आया तो first 2 lines के बाद 3rd line पे एक और function call हो रहा है. तो अब sum जो है वो calling another function display. तो यहाँ से control display पर आएगा और डिस्प्ले जो इनपुट ले रहा है वो जी है दैट इज वाई. ये चीज़ यहाँ पे आएगी और यहाँ पे फंक्शन द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस आपको जी वो प्रिंट करके देगा. और जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी
कंट्रोल यहाँ पे वापस आएगा, रिटर्न जीरो, और ये फंक्शन भी खत्म हो गया. तो सम को किसने कॉल किया था? मेन ने. फिर कंट्रोल यहाँ आ जाएगा. यानी कि दिस इज हैपनिंग इन ऑर्डर और हायरार्किकल ऑर्डर. यहाँ से इधर इस फंक्शन पे जब ये एग्जीक्यूटिव है यहाँ पे, और इसी तरह कंट्रोल वापस भी यूं, और फिर यहाँ से इस तरह से. या सो दिस इज ए हायरार्किकल मैनर. तो पीछे जैसे हमने देखा, सो कॉलिंग फंक्शन फंक्ट वन मेन में कॉल हुआ, तो फंक्ट वन की डेफिनेशन है. इनसाइड फंक्ट वन कोई और फंक्शन फंक्शन टू कॉल हो रहा है. तो इसी तरह से मैंने इस डायग्राम को एक्सटेंड नहीं किया, यू कैन अंडरस्टैंड कि इसी तरह एरोज आगे फर्दर जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फंक्शन टू की डेफिनेशन है. तो वो फर्दर कॉल फंक्शन होगा फंक्ट वन का. पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शंस और बिटवीन फंक्शंस. अब देखिए जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा सम 4, 5 इंट ए बी. तो ये जो 4 और 5 का डेटा है ये पास हो रहा है इंट टाइप डेटा पे, या ये यहाँ पे कॉपी हो रहा है. तो असल में क्या है कि ये काइंड ऑफ डेटा कम्युनिकेट हो रहा है बीच में, ठीक है, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन के बीच में, कि किस तरह से फंक्शन कम्युनिकेट कर रहा है कोड में फर्दर जहाँ पे कॉलिंग फंक्शन और कॉल फंक्शन में. ठीक है, देखिए कॉलिंग फंक्शन मेन से हमने ये डेटा 4 और 5 भेजा. मेन 4 और 5 की वैल्यूज को सेंड कर रहा है कॉल फंक्शन में, जो कि कॉल फंक्शन में ए और बी पे जाके कॉपी हो जाता है. ठीक है, सो आर्ग्यूमेंट्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन कॉलिंग एंड कॉल फंक्शन. तो यहाँ पे देखिए फंक्शन दो तरह के हो सकते हैं. अभी यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट फर्दर डिटेल्स, जस्ट हैव अ कॉन्सेप्ट वट इज मेंट बाय आर्ग्यूमेंट्स. सो व्हेन यू विल हैव फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स, तो वो कुछ इस तरह से दिखेंगे. सम 10, 20. सो इनसाइड पैरेंथेसिस वी आर सेंडिंग सम डेटा इन फंक्शन कॉल, एंड दिस कैन बी सम जेनेरिक वेरिएबल नेम्स. और इसी तरह ये चीज़ फिर यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन में भी आपको विजिबल है. जैसे हमने पहले किया था कि आपको डिक्लेरेशन के अंदर नाम लिखना, जो वेरिएबल टाइप्स उनके नाम लिखना ज़रूरी नहीं है. यू कैन सिंपली डिक्लेयर दिस. इसी तरह विदाउट आर्ग्यूमेंट्स में आप देखिए फंक्शन डिक्लेरेशन में और कॉल में पैरेंथेसिस के इनसाइड आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं हो रहे. सो ये डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं कि यूज़र ने किस तरह का फंक्शन लिखा है. हम आगे कई एग्जांपल्स भी करेंगे जिसमें ये क्लियर होगा. तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू आर द कोड डिज़ाइनर. जब आप अपने प्रोग्राम को खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपके पास चॉइस है कि आप कैसे बेहतर समझते हैं. क्या आप उसमें आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, डायरेक्टली सिर्फ फंक्शन से काम करवाना चाहते हैं. सो देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज एंड वी विल गेट टू नो दीज थिंग्स व्हेन वी विल डू सम एग्जांपल्स. रिटर्निंग अ वैल्यू फ्रॉम फंक्शन. अब जैसा कि अ फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न अ रिजल्ट, ठीक है, बट इफ इट डज वी मस्ट यूज रिटर्न स्टेटमेंट टू आउटपुट द रिजल्ट. अब देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन की सिंपल एग्जांपल है मल्टीप्लाई ए इन बी, ठीक है, ये आपके पास डिक्लेरेशन है और इसके रिटर्न टाइप इंट है. इसका मतलब है अगर यहाँ पर रिटर्न टाइप इंट है, दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन. तो कोड में फर्दर आप देखेंगे कि जहाँ पे डेफिनेशन है वहाँ पे एंड पे कोई चीज़ रिटर्न होनी चाहिए और उस रिटर्न की टाइप इंट होनी चाहिए. सो दिस इज रिटर्न टाइप, ये डेफिनेशन है. और मेन में जहाँ पे कॉल हो रहा है फंक्शन, वहाँ पे जब ये फंक्शन देखिए कॉल हो रहा है मल्टीप्लाई आई कॉमा जे, ये आई और जे यूज़र से यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं या आप रन टाइम पे यूज़र से भी ले सकते हैं. लेकिन जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ए इंटू बी पास हो रहा है इस रिजल्ट को, सही. सो द वैल्यू रिटर्न बाय फंक्शन मस्ट बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल. अगर यहाँ पे वॉइड होता ना, वॉइड मल्टीप्लाई ए बी, तो यहाँ पे ये रिटर्न स्टेटमेंट ना होती. फिर डिपेंड करता है कैसा फंक्शन है, आप यहाँ पे डिस्प्ले भी करा सकते हैं. कुछ और फैक्ट्स, रिटर्न स्टेटमेंट आल्सो एंड्स द फंक्शन एग्जीक्यूशन. सो अगर कंडीशनल आपके पास कोई प्रोग्राम है जिसमें इफ एल्स है, लाइक इफ दिस देन रिटर्न दिस, एल्स इफ दिस रिटर्न दिस, तो इफ एल्स में भी जब भी कोई रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगी ना, जब कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो उसके बाद आपका जो फंक्शन है वो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी. इसीलिए रिटर्न स्टेटमेंट कहीं पे भी आ सकती है.
अब जैसे हमने ये देखा यहाँ पे इंट इसकी रिटर्न टाइप है, तो एंड पे जो रिजल्ट है वो इंटीजर टाइप है और वो रिटर्न हो रहा है, और ये लास्ट स्टेटमेंट है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, फंक्शन एग्जांपल इन कोड ब्लॉक्स। स्टेटमेंट ये है कि टेक टू पॉइंट्स फ्रॉम यूजर, आप यूजर से कोई से भी दो पॉइंट्स यूजर से लें, मतलब यूजर एंटर करे उसको, और वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट की लोकेशन, यानी एक्स और वाई की वैल्यू बताते हैं। आपने क्या करना है, राइट अ सी प्रोग्राम यूजिंग फंक्शंस टू कन्वर्ट दिस पॉइंट लोकेशन, जो कि आपके पास एक्स वाई फॉर्म में या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए, पहले आपको कोड लिखने से पहले इसका फाइंड करना होता है कि तो मैथमेटिक्स का आपको नॉलेज चाहिए, हम इसका सोल्यूशन पहले, यू शुड नो द सोल्यूशन, मतलब जैसे हमने एल्गोरिदम्स में सीखा था कि स्टेप बाय स्टेप एक सूडो कोड आप लिखें और फिर उसको आप कोडिंग के सिंटेक्स में चेंज कर लें। सो हमें क्या चाहिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और इसको पोलर में करना है जो कि आर एंड थीटा की फॉर्म होता है। आर आपको डिस्टेंस बताता है ओरिजिन से, और थीटा आपको रेफरेंस से उसका एंगल बताता है। तो हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आर इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है एक्स वाई को डिस्टेंस से पोलर में डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट, एंड थीटा जो है वो वाई डिवाइड बाई एक्स का टेन इनवर्स है। तो हमने इसके लिए सी में कोड लिखना है। सो आप सूडो कोड में डिफाइन कर सकते हैं कि क्या ये दोनों काम आप एक ही फंक्शन से करवाना चाहते हैं, और यू हैव अ चॉइस कि आप ये दोनों काम दो डिफरेंट फंक्शन से करें। द वे हाउ आई हैव रिटन द कोड फॉर दिस वन इज विद द हेल्प ऑफ टू फंक्शंस। सो फ्लोट टाइप, फ्लोट क्योंकि इसमें एंगल भी इन्वॉल्व है, तो जब आप टेन इनवर्स लेंगे, अच्छा मैंने हेडर फाइल्स यहाँ पे शो नहीं की, इसमें आप मैथ डॉट एच की फाइल भी डालते हैं, बिकॉज आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि स्क्वायर रूट, आपको एक स्क्वायर रूट का फंक्शन चाहिए और टेंजेंट इनवर्स का फंक्शन चाहिए, तो इसके लिए हमें मैथ्स की लाइब्रेरी चाहिए होगी। सो द डेटा टाइप इज फ्लोट, एक्स वाई जो कि कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यूजर से लिए गए हैं, एंड यूजर एंटर करेंगे, आप दोनों एक वक्त में भी ले सकते हैं वैल्यूज और डिफरेंट टाइम्स पे भी। फिर यहाँ पे देखिए, जब इनपुट्स आपने ले ली तो आर में आप स्टोर करा रहे हैं डिस्टेंस का फंक्शन जो रिटर्न करेगा। सो मेन इज कॉलिंग द फंक्शन डिस्टेंस, और यहाँ पे आप देखिए इस लाइन से कंट्रोल इधर आ जाएगा। ये कैसे डिस्टेंस कंप्यूट कर रहा है, आपने डिस्टेंस किया था स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो ये आपके पास एक्सप्रेशन है उसकी, और एस क्यू आर टी जो है वो मैथ डॉट एच में डिफाइंड है। आपने ये कोई रिजल्ट डी में स्टोर करा दिया, डी इज अ फ्लोट टाइप वेरिएबल, और जब ये रिटर्न करेगा तो यहाँ पे ये फंक्शन वापस जहाँ कॉल हो रहा था वहाँ इसने आर में ये वैल्यू सेव करा दी। दिस आर इज नाउ द मैग्नीट्यूड सॉरी द डिस्टेंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट लाइन इज थीटा इक्वल्स टू एंगल, सो आई हैव टेकन दिस वेरिएबल थीटा, क्योंकि आर और थीटा तो मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए नाम भी वही सिलेक्ट किया है। दिस लाइन इज कॉलिंग फंक्शन एंगल एक्स वाई, सो एक्स वाई को यूज करके मुझे एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो कंट्रोल ट्रांसफर होगा जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड है। ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, सो जब ये थीटा एंगल फंक्शन को कॉल करेगा तो हम देख सकते हैं, ये हम रन भी करेंगे ये वाला प्रोग्राम कोड ब्लॉक्स में। तो दिस इज हाउ आई हैव डिफाइंड दिस फंक्शन, फ्लोट ए फ्लोट बी, ए बी एक्चुअली वो जो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ले रहे हैं, सो यहाँ पे ये फंक्शन हेडर, इसके एंड में कोई सेमीकोलन नहीं है। और ये देखिए आपके पास फंक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ लाइंस है इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू वांट टू परफॉर्म कई तरीके हो सकते हैं। सो आई हैव डिक्लेयर्ड हियर टू लोकल वेरिएबल्स एंगल फॉर ए एंड जी एंगल, एंड एम इज जस्ट फॉर दिस इंटरमीडिएट थिंग। एज यू सी यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला में था
tan inverse of y divided by x. So y by x को मैं initially यहाँ पे m में स्टोर करा रही हूँ और a tan tan inverse के लिए यूज होता है math.h फाइल में, ये फंक्शन math लाइब्रेरी में डिफाइंड है. सो ये जो आपको रिटर्न करेगा ये एंगल आपके पास रेडियंस में आएगा. सो हमने क्या किया है, रेडियंस में आप प्रिंट करा सकते हैं, मैंने जस्ट देखने के लिए कि रेडियंस में क्या वैल्यू आ रही है ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिख दी है. आपके पास चॉइस है, आप बेशक इसको कमेंट कर दें. कन्वर्टिंग थीटा फ्रॉम रेडियंस टू रेडियंस, इसका फॉर्मूला ये है. आपने सिंपली जो एंगल यहाँ पे आपके पास आया है इसको 180 से मल्टीप्लाई करके बाई से डिवाइड कर दिया है. ये भी फॉर्मूला हमने मैथमेटिक्स में देखा था कि रेडियन टू डिग्रीज या डिग्रीज टू रेडियन कैसे कन्वर्जन होती है. अच्छा अब ये देखिए जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना एक्स वाई, उसमें यू नो के एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपके पास फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है. तो दोनों पॉइंट पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे तो कैसे होगा. सो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और एक्स इफ ए स्टैंड्स फॉर एक्स एंड बी इज फॉर वाई. सो अगर फर्स्ट इज नेगेटिव के एक्स अगर आपके पास नेगेटिव है और जो आपके पास वाई है वो पॉजिटिव है तो हमें पता है कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है. तो यहाँ पे ये जो एंगल आएगा उसको मैंने अकॉर्डिंगली, मतलब इस कोड को मैंने एग्जीक्यूट किया और मैंने इसकी डीबग करने के बाद देखा कि किस तरह से मेरा कोड जो है मैथमेटिकली एक्स और वाई को आप कन्वर्ट करके एग्जैक्ट वैल्यू एंगल की वो दे सकता है जो पोलर में इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, ठीक है. और अब यहाँ पे आप ये भी देखिए कि मैंने इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज लेस देन जीरो, यानी एक्स तो आपके पास पॉजिटिव है लेकिन आपके पास y नेगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है. फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जब आएगा एंगल तो आप सिंपली जो पॉजिटिव, मतलब आपके पास जो x इक्वल्स टू जीरो की जो एक्सिस है उसके ऊपर जो एंगल होगा उसको आप अगर नेगेटिव कर लें तो उससे भी रिप्रेजेंटेशन होती है. अगेन यू हैव अ चॉइस, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, मैथमेटिकली इट शुड बी. और जब दोनों नेगेटिव हों तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है एंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी नो दैट, सॉरी फॉर दिस, कि आप से 180 में जब एंगल ऐड कर देंगे तो आपके पास वो एंगल. तो यहाँ पे थोड़ी सी अगर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है तो मैं आपको ये रन करके दिखाती हूँ, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. सो आई क्लोज दिस प्रीवियस ओपन प्रोजेक्ट. तो मैंने यहाँ पर ये क्रिएट किया हुआ है फंक्शन, सो इफ यू लुक एट दिस प्रोग्राम यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन मैंने कराई हुई है, ठीक है. कॉन्स्ट फ्रूट पाए हमने नीचे यूज किया तो उसको मैंने ग्लोबली डिक्लेयर करा लिया है. आपके पास कई चॉइसेस हैं, आप यहाँ पे डिफाइन हैश डिफाइन से भी यूज कर सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज यू कैन एक्सप्लोर मोर. कोई इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स होंगी तो आप डेटा टाइप्स वाला जो प्रीवियस लेक्चर है उस पर भी देख सकते हैं. और यहाँ पे दो फंक्शंस जो कॉल हो रहे हैं डिस्टेंस और एंगल, उनका प्रोटोटाइप यहाँ पे मैंने डिक्लेयर करा दिया, ठीक है. मेन के अंदर आप एंटर हुए, एंटर अ नंबर फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू कोऑर्डिनेट यूजर से ले लिया, देन वाई की वैल्यू हमने यूजर से ले ली और लाइन, दिस लाइन इज एक्चुअली कॉलिंग डिस्टेंस फंक्शन. सो योर कंट्रोल पासिस हियर, डिस्टेंस में क्या है a square plus b square और आप उसका square root ले रहे हैं और जो result आ रहा है वो return कर रहे हैं. यहाँ पे वो result d में जा रहा है और ये d जब return होके यहाँ पे control वापस आता है तो इस function का result इस r में save हो जाता है. Then this theta equals to angle, यानी कि theta को वो value मिल रही है जो आपके पास angle वाले function से आ रही है, ठीक है. तो ये देखिए angle का function कहाँ पे है, नीचे यहाँ पे ये function defined है, ठीक है. डेफिनेशन में ये देखिए फंक्शन हेडर के एंड पे आपके पास जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो साथ साथ हम कंपाइलर में भी देख रहे हैं. तो आपके पास यहाँ पे कोई सेमी कॉलन नहीं है क्योंकि डेफिनेशन में फंक्शन हेडर के साथ सेमी कॉलन यूज नहीं होता, ठीक है. और यहाँ इनसाइड हमने वही टैन इनवर्स जो मैंने आपको स्लाइड्स में फंक्शन दिखाया वही फंक्शन यहाँ पे पेस्ट किया है मैंने. तो ये वाली चीज़ आपको एंगल बता रही है रेडियंस में, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे डिग्रीज में, ठीक है. और कंडीशनल चेक फॉर पोलर एंगल्स, चेक क्या है कि आपका एंगल जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखिए एंगल की रेंज क्या होती है, ठीक है, जीरो से टू पाई तक, या अगर रेडियंस की बात की जाए
डिग्रीज में बात की जाए तो 0 से 360 डिग्रीज तक, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल 0 से 90 के बीच में आएगा, सेकंड का 90 से 180, थर्ड का आएगा आपके पास 180 से 270 तक, और फाइनल का या तो 270 से 360 भी आ सकता है या -90 से 0 की रेंज में आ सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशनल चेक डिपेंडिंग ऑन के एक्स और वाई जो यूज़र ने एंटर किया है वो क्या है उसकी बेसिस पे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और मैं आपको चारों सिनेरियोस टर्न बाय टर्न करके दिखाऊंगी कि क्या ये प्रोग्राम जो मैंने लिखा है वो सही है। यू हैव अ चॉइस, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। वी आर एक्चुअली लर्निंग कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं। सो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए दोनों पॉजिटिव वैल्यूज एंटर कर देती हूँ, लेट्स से 5 एंड 10। मेरे पास दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो एंगल रेडियंस में ही आ गया, और अगर थीटा डिग्रीज में, अच्छा ये देखिए ये इसका डिस्टेंस जो हमने कहा आर थीटा, तो आर थीटा यहाँ पे ये आ रहा है। अच्छा ये मैंने प्रिंट ऐसे करवाया है, आप रेडियंस को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। डिग्रीज में 63 डिग्रीज का एंगल आ रहा है और दिस इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो जस्ट मेक दिस कॉमेंट, दिस लाइन इज कॉमेंट, रेडियन के एंगल की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम हर क्वाड्रेंट में सही वैल्यू दे रहा है या नहीं, और आप इसको अपने कैलकुलेटर से या मैथमेटिकली खुद से भी कंप्यूट करके रिजल्ट मैच कर सकते हैं। सो नाउ हम एक्स को नेगेटिव ले लेते हैं और वाई को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, कोई सी भी वैल्यू। तो यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा आपके पास पॉजिटिव में आता है तो आर इज 10, एक्स इज नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल यहाँ पे हमारे पास आया है 150 डिग्री, जो कि 90 से 180 के बीच में, सो इट सीम्स करेक्ट। एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि हम दोनों को नेगेटिव वैल्यूज दे दें, लेट्स से कोई सी भी वैल्यू रेंडमली आप ले सकते हैं, -41, ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसका डिस्टेंस आर ये आया है और जो एंगल है वो 256 है। अब देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसकी रेंज कहाँ तक है, 180 से 270 तक, सो दिस इज 256, ठीक है। एंड द लास्ट ऑप्शन के आपके पास एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन जो वाई है वो नेगेटिव है, मैं कोई सी भी रैंडम इनपुट्स ले रही हूँ तो आप कोई डिफरेंट भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे थीटा आपके पास नेगेटिव में है, ठीक है। आप इसको चेंज ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं 270 से 360 के बीच में तो आप उसको लिख सकते हैं, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और जो फोर्थ है, ठीक है, वो तकरीबन फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक एंगल है, तो वही एंगल जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर ये दोनों एंट्रीज पॉजिटिव होती तो आपके पास +23 का एंगल होता, लेकिन यहाँ पे -23 है। सो दैट इज द चॉइस दैट यू कैन डिसाइड। और उस केस में क्या होगा कि आप यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको चेंज कर सकते हैं, दिस इज अप टू यू, ठीक है। मैथमेटिक्स की स्किल्स हैं, आप सूडो एल्गोरिदम में जैसे इसको लिखेंगे ये वैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो ये हमने एक एग्जाम्पल देख ली कि किस तरह से फंक्शन हम लिख सकते हैं सी में। अब थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं जो हमने सो फार फंक्शंस के बारे में सीखा। मेन जो है वो एक फंक्शन होता है और मेन के बगैर आपका कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी फंक्शन में किसी सी प्रोग्राम में एक ही फंक्शन है तो वो मेन ही होगा, और अगर बहुत सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन है लेकिन मेन नहीं है तो भी आपका प्रोग्राम सही नहीं होगा। एंड पॉइंट नंबर 2 सेज दैट देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ फंक्शंस, आप जितने चाहें अपने फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल में ये मैंने पोलर कोऑर्डिनेट कन्वर्जन वाले कोड में दो फंक्शंस डिफाइन किए थे, डिस्टेंस एंड एंगल। अब आपके पास चॉइस है, आप दोनों को एक फंक्शन से भी कंप्यूट कर सकते हैं या आप तीसरा फंक्शन ऐसा ऐड कर सकते हैं जो कि फंक्शन यूजर से इनपुट लेने को प्रॉम्प्ट करे, और एक और फंक्शन आप डाल सकते हैं जो कि रिजल्ट को डिस्प्ले कराए, ठीक है। मैंने रिजल्ट को डिस्प्ले अगर आप यहाँ देखें तो मेन में ही करा दिया है फाइनल उसकी कन्वर्जन। तो यू आर द डिज़ाइनर ऑफ योर कोड, आपके पास चॉइस है जितने भी फंक्शंस आप डिफाइन करना चाहती हैं, और फंक्शंस का कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। बस इस चीज़ का ख्याल रखना होगा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे
कि जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो जो आर्ग्यूमेंट्स फंक्शंस के बीच में पास हो रहे हैं उसका ऑर्डर ठीक है. ऐसा ना हो कि कोई चीज़ जो जिसका आर्ग्यूमेंट फंक्शन वन में चाहिए मतलब, और वो जो रिजल्ट फंक्शन वन में चाहिए वो फंक्शन टू में कंप्यूट हो रहा है. यानी जो सीक्वेंस वाइज एक चीज़ हो रही है तो उसका सीक्वेंस या ऑर्डर करेक्ट है. लेकिन वैसे यू हैव नो रिस्ट्रिक्शन के फंक्शन का यही स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए. हमें उनकी वैल्यूज और उनके कंट्रोल फ्लो का जो डेटा उसमें पास हो रहा है उसके ऑर्डर का ख्याल रखना. पॉइंट फोर सेज फंक्शन नेम्स इन अ प्रोग्राम मस्ट बी यूनिक. तो अगर सेम नेम होगा, जैसे मेन एक प्रोग्राम है तो मैं दूसरे फंक्शन का नाम भी मेन रखूँ तो वो सही नहीं होगा. या जैसे मेरा पिछला फंक्शन था डिस्टेंस, एंगल और डिस्टेंस, तो मैं दो और फंक्शंस के नाम भी यही रख दूँ तो ऑब्वियसली इट वुड बी नॉट ईजियर फॉर कंपाइलर टू आइडेंटिफाई दोज फंक्शंस, इसमें प्रॉब्लम होगा. अभी हम ये करके भी देख लेते हैं. लेट अस सी, हमने जो देखा था इट वुड बी बेटर कि हम साथ ही देखें. सो यहाँ पे फंक्शन डिस्टेंस का भी नाम मैं एंगल रख देती हूँ और हम देख लेते हैं कि रन टाइम पे क्या प्रॉब्लम आ रही है. सो आई विल कंपाइल दिस नाउ. देयर इज वन एरर, और वो क्या है? रीडेफिनेशन ऑफ एंगल. तो देखिए कंपाइलर को पता चल गया कि जो एंगल का फंक्शन है वो एक दफा तो डिफाइन था, वो दोबारा डिफाइन हो गया. सो इससे हमें ये पता चला कि फंक्शन नेम्स शुड बी मस्ट बी यूनिक. फंक्शन गेट्स कॉल्ड व्हेन द फंक्शन नेम इज फॉलोड बाय सेमी कॉलन. तो ये चीज़ भी हम देखेंगे. अभी के लिए मैं जस्ट आपको यहाँ से रन करके दिखा देती हूँ. चलिए इसको हम फॉर द टाइम बीइंग कमेंट कर देते हैं, और आई कैन कमेंट दिस एज वेल. कि अगर एक फंक्शन यहाँ पे ये कॉल हो रहा है, अच्छा यहाँ पे थीटा की वैल्यू कोई नहीं आएगी. चलिए वो कोई भी गार्बेज यहाँ पे जब वो डिस्प्ले करेगा, देखिए मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो वो कोई भी डमी वैल्यू कोई भी इसको साइन कर देगा. अच्छा मैं अगर सेमी कॉलन यहाँ से हटा दूँ और अभी इसको कंपाइल करते हैं, तो ये आपके पास जो प्रिंट मैसेजेस हैं इसमें अगेन देयर इज वन एरर एंड देन एरर इज एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर प्रिंट एफ. सो ये प्रिंट एफ देखिए उसने पॉइंट किया लाइन नंबर 18 पे और इसके ऊपर यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं था. सो ये कुछ चीज़ें हैं. इन चीज़ों को हम अगले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे. एंड द लास्ट थिंग इज अ फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन. ठीक है, इसको भी एग्जांपल के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. जैसे आप मेन के अंदर ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप मेन के अंदर ही इसको डिफाइन करें. चलें समझने के लिए प्रैक्टिकली इसको करके देख लेते हैं. सो आई कॉपी दिस फंक्शन डेफिनेशन, सॉरी आई शुड कट दिस फंक्शन डेफिनेशन. और यहाँ पे जहाँ कॉल हो रहा है मैं इधर इसको पेस्ट कर देती हूँ. ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिंग मैंने दी है ताकि रीड करना आसान हो. सो अब देखिए ये कर्ली ब्रेस जो है ये मेन की है, और मेन के अंदर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इस फंक्शन को. देखते हैं कि कंपाइलर क्या कहता है. ये देखिए एक्सपेक्टेड इक्वल टू दिस ESM attribute, यानी कि इट इज़ गिविंग अ सम एरर, और वो फर्दर कंपाइलर ने ही एरर दे दिया है तो वो फर्दर असेंबलर या लिंकिंग उसकी इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, दिस इज एरर. सो आई वुड undo this change और आपका प्रोग्राम दोबारा से चलेगा. ठीक है, अब आपको सिर्फ एक इनपुट मिलेगी, लेट्स से 5 -5. थीटा इज गेटिंग 0 क्योंकि थीटा वाला फंक्शन कॉल नहीं हो रहा. ठीक है, थीटा वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है तो वो उसकी जो भी वैल्यू इनिशियल या डमी वैल्यू जो भी है वो. So this is how functions work. हमने functions को देख लिया.